नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि मैं सिंगापुर में हूँ, हमारे साथ में मोहित भाई हैं। इनको आपने ऑलरेडी पहले कई बार वीडियो पे देखा हुआ है। उन्होंने जबलपुर में भी अटेंड किया था, सिंगापुर में भी हम लोग जब लोग मरीना बीच गए थे, मरीना बे होटल, वहाँ पर भी मतलब ज्वाइन किया था हम लोगों ने। और हम लोग गए थे गुरुद्वारा में भी प्रसाद वाला काम किया था सब लोगों ने मिलके। तो अभी वो हमारे साथ में है, अभी वो सिंगापुर में ही है। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर में उन्होंने काफ़ी टाइम निकाला और अभी भी सिंगापुर में ही है, तो उनका पर्सनल ओपिनियन उनसे जानते हैं। दोस्तों, अभी हम इस टाइम पर, ये मुस्तफ़ा है ना, मुस्तफ़ा के पास में ही है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है। तो मोहित भाई, आप कैसे हैं? सर बढ़िया है। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा था। सिंगापुर के बारे में क्या अनुभव रहा? सर बहुत अच्छा लगा, ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है यहाँ पे जी। अब मैं इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे हूँ यहाँ पे जी, प्रोजेक्ट को पूरा हैंडल कर रहा हूँ, सोलर प्रोजेक्ट को पूरा हैंडल कर रहा हूँ जी 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 जी। जैसे कि मेरे को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे, मैं 20 मेगावाट का सोलर प्लांट पूरा इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अंडर में 3-4 सुपरवाइजर हैं, फुल टीम है जी 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 जी। यहाँ पे तो ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है और लर्निंग के लिए भी न्यू टेक्नोलॉजी हमको सीखने मिली है बहुत कुछ जी 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 जी। सिंगापुर के लोग कैसे होते हैं? बहुत अच्छे सर, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, हेल्पफुल होते हैं ना। हाँ जी। और सिंगापुर में अभी एम्प्लॉयमेंट की मतलब कैसा है स्टेटस? रिक्वायरमेंट है अभी भी सर, मतलब यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, रिक्वायरमेंट बहुत है सर। हाँ, जो लोग मतलब प्लान करना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं जी जी जी। सिंगापुर में जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग रहती है और जो कनेक्टिविटी रहती है, लाइफ स्टाइल कैसा रहता है? लाइफ स्टाइल बहुत टॉप का लेवल है सर यहाँ पे जी। अगर चाहे तो इंसान बहुत इंडिया में बहुत कुछ सीख सकता है यहाँ पे। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती है, उन लोगों को क्या कुकिंग नहीं आती यहाँ पे, वो है अपना डोरमेट्री, इंडियन कुकिंग, इंडियन रेबरीज है। अच्छा, मतलब कि अगर जिनको कुकिंग नहीं आती है वो लोग यहाँ पर पंजाबी फूड है, इंडियन फूड है। हाँ, मंथली बेस पे मिल जाता है? मंथली बेस पे मिल जाता है। ओके ग्रेट ग्रेट। 7-8 हज़ार रुपये लगता है इंडियन मनी, आपको इजी एनीवेयर कैन प्रोवाइड, चपाती आप खाते हो, राइस खाते हो, सब मिल जाता है। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर अभी इस टाइम का जो माहौल चल रहा है ना, जैसे वर्किंग का एनवायरनमेंट का, कुछ लोग होते हैं कि वेदर सूट होगा कि नहीं होगा, तो वेदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। हाँ हाँ, हमेशा पानी, कभी धूप रहती कभी पानी गिरने लग जाता है। ओके ओके, मतलब तो कोई भी इंसान यहाँ सर्वाइव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी सर्दी ना कभी ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, भाषा का कुछ इफेक्ट पड़ता है? जैसे अगर किसी को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती तो वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता कि नहीं? हाँ, वो भी कर सकता है, बट आई थिंक इंग्लिश ज़्यादा अच्छी रहे तो मज़े नहीं। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, अगर उनको नहीं है सर, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, टूटी फूटी इंग्लिश आती तो सर्वाइव कर सकते हैं? टूटी फूटी इंग्लिश सर्वाइव कर सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए जी 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 जी। टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, ट्रिपल वी से हमेशा कोऑर्डिनेट रहता हूँ मैं जी, हमेशा अपडेट रहता हूँ मैं जी 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 जी। अगर कभी कॉल करते हैं तो रिस्पॉन्स मिलता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी 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 जी। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बस सर को फॉलो करिए और आप शेयर करिए वीडियो और आइए सिंगापुर, सीखिए कुछ नया। सिंगापुर में जैसे अभी जो रिक्वायरमेंट है NTS, PCM, SSC, इनका अभी स्कोप कैसा लग रहा है? बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? सर स्कोप बढ़ने वाला है, क्योंकि सिंगापुर आप देख ही रहे हैं डेवलप हो रहा है डे टू बाय डे। चांगी एयरपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है जी, अभी चांगी प्रोजेक्ट भी हम लोग नेक्स्ट चालू होने वाला है जी, वो भी इंक्रीज होने वाला है जी। बिफोर चांगी नंबर वन एयरपोर्ट था, अब वो सेकंड पे चला गया है, दुबई सबसे फर्स्ट आ चुका है जी। अब नाउ अगेन चांगी कमिंग फर्स्ट, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फर्स्ट कमिंग टू। ओके, अभी दुबई नंबर वन हो गया? हाँ दुबई नंबर वन। ओके, लेकिन अभी पासपोर्ट तो सिंगापुर का नंबर वन हो गया ना? हाँ, पासपोर्ट सिंगापुर का नंबर वन जी 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 जी। चलो बढ़िया, मतलब आपका ओवरऑल अनुभव काफ़ी अच्छा रहा ना? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आपको हैप्पी देख के। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो मोटो होता है ना, वो योर नीड्स अवर एम्बिशन, और उसमें अगर आपकी नीड्स फुलफिल हो रही ना तो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत तरक्की करें इसकी शुभकामनाएं आपके साथ में। सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि मोहित भाई का अनुभव कैसा रहा, वो हैप्पी है, और एक्चुअली जो लोग भी आते हैं सभी लोग हैप्पी होते हैं। जैसे हम लोग अगर एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट के हिसाब से, हमने आपके साथ में एग्रीमेंट किया होगा तो एग्रीमेंट का कैसा मतलब जो कमिटमेंट था वो पूरे फुलफिल हुए हैं जी। जो सैलरी आपने बोली थी वही सैलरी और इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई? वेरी गुड वेरी गुड, वही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो एग्रीमेंट करते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से चीज़ें हों, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। जो लोग भी आए
और उनको बेहतर लाइफ स्टाइल मिले, बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करता हूँ। अभी ट्रैवलिंग है, आने वाले महीनों में कई बार आपको सिंगापुर का विजिट दिखेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर से मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना क्लाइंट मीटिंग होगी उतना ही अच्छा रहेगा। सो ये चीज़ है, और अभी जो लोग भी सिंगापुर को प्लान करने वाले हैं वो लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। सिंगापुर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोग अभी शेयर करने वाले हैं आपको, एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और मैं ये जो सैटरडे में लाइव आने वाला हूँ सिंगापुर की सारी रिक्वायरमेंट को डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।